चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल में 3 लोगों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जिन्होंने भी लापरवाही बरती है उन पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। विश्वास सारंग ने कहा हमीदिया अस्पताल में 5:58 पर लाइट गई, लेकिन वहां बैकअप के इंतजाम है, मेंटेनेंस के भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन जनरेटर 10 मिनट के बाद बंद हो गया था, जिसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है, डीन को नोटिस दे दिया गया है। हमीदिया प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है वह ठीक नहीं है, लाइट जाने के कारण मृत्यु नहीं हुई है। जिन मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया था 2 घंटे का बैकअप था, 1 घंटे के भीतर बिजली आ गई थी। उन्होंने कहा 3 मरीजों की मौत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने हमीदिया कोरोना वार्ड में बिजली गुल मामले में जांच के निर्देश दिए हैं, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। गांधी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हमीदिया अस्पताल में कल लगभग 5:58 पर लाइट गुल हुई। इंतजाम पूरे हैं, यदि लाइट जाती है तो उसके बैकअप के लिए जनरेटर की व्यवस्था है। जनरेटर के मेंटेनेंस के लिए पूरी तरह से बजट अलॉटेड है। डीजल और बाकी जो व्यवस्थाएं जनरेटर को चालू करने के लिए जरूरी हैं उनका पूरा इंतजाम था। मेंटेनेंस को लेकर भी सभी तरह के इंतजाम किए गए थे, ये निर्देशित किया गया था। 5:58 पर लाइट गई, जनरेटर के बैकअप से लाइट फिर से शुरू हुई, परंतु 10 मिनट बाद वो फिर बंद हुई और लगभग 1 घंटे के अंदर फिर से लाइट आ गई। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है और इसीलिए तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी के ईएनएम के वो इंजीनियर जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरे मेंटेनेंस की देखभाल करें, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।